इस मुश्किल को कोई तो सुलझा दे, किसी को भुला कैसे जाता है, कोई तो बता दे दुनिया में सब कुछ ठीक हो जाए, अगर लोग एक दूसरे के बारे में नहीं एक दूसरे से बोलना सीख जाए तो। आजकल दुनिया ऐसी हो गई है, जब किसी की जिंदगी में नए लोग आते हैं तो वो पुराने लोगों की अहमियत ही भूल जाते हैं। आंसू चाहे इंसान के हो या जानवर के हो, लेकिन ये बाहर तब ही आते हैं जब दिल में बेइंतहा दर्द होता है। जिन लोगों को रिश्ते की कदर होती है ना, वो मानने से मान जाते हैं, और जिन लोगों को रिश्ते का मोल ही नहीं होता, वो छोटी सी छोटी बात पर भी रिश्ते तोड़ देते हैं। बातें कम करो और काम बड़े करो, क्योंकि आजकल लोगों को सुनवाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। विश्वास और प्रेम दोनों ऐसी चीजें हैं जो हो जाए तो टूटती नहीं, और जो अगर टूट जाए तो होती नहीं, क्योंकि इन दोनों में से एक को भी जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। घमंड बहुत भूखा होता है और इसकी पसंदीदा खुराक है हमारे रिश्ते। दिल में बुराई रख के जुबान का मीठा बनाना मुझे नहीं आता। जिसको अपनाया दिल से अपनाया और जिसको छोड़ा दिल से छोड़ा। दोस्तों, इस कहानी का मतलब आप लोग अर्थ निकालिएगा, उसके बाद आपको क्या करना है लाइफ में बहुत जरूरी है जानना। जिंदगी में अब नाराज किसी से भी नहीं होना है, बस अब मतलबी लोगों को नजरअंदाज करके जीना है। अच्छे लोगों में एक खास बात होती है कि वो बुरे वक्त में भी अच्छे ही होते हैं, वरना बुरे लोगों की अच्छाई आपका बुरा वक्त आते ही गायब हो जाती है। जो इंसान अपने दिल के इमोशंस अपनी भावनाओं से लड़ना सीख गया, समझ लेना वो जिंदगी में जीना सीख गया। पहली मोहब्बत शायद इसलिए कामयाब नहीं होती ताकि तुम्हें दूसरी मोहब्बत की कीमत का पता चले। दुनिया वाले एक गलती पर भी हमें पराया कर देते हैं, लेकिन माँ बाप हमारी हजार गलतियों के बाद भी हमें अपना बना लेते हैं। मत बनाओ किसी को सब कुछ अपना, अगर वो चला गया ना तो फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। हौसला मत हार गिरकर ये मुसाफिर, अगर यहाँ दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। किसी ने मुझसे पूछा कि पूरी जिंदगी क्या किया, हंसकर जवाब दिया कि किसी के साथ मैंने धोखा नहीं किया। जिंदगी का ये असूल बना लो, जो आपको छोड़ दे उसे आप भुला लो। उम्र को अगर हराना है तो शौक जिंदा रखिए, घुटने चले या ना चले लेकिन मन एक उड़ता परिंदा रखिए। किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला, उस बंदे को आसमान में क्या रब मिलेगा जिसे इंसान में इंसान ना मिला। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई तुम्हारे पंख काटने जरूर आएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अच्छे काम के लिए जाएंगे तो आपको बहुत मिलेंगे। भले ही जीवन भर अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना।